लिटरली ये एपिसोड मेरा फेवरेट एपिसोड है। आइए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो एंड तक देखना, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप भी बोलोगे भाई ये वाला इस एपिसोड में था। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3। तो हमारा लिंग और जीके तो तैयार होता है, लेकिन हमारे जिंचा तैयार होती है स्कूल जाने के लिए, वो भी अलग सी ड्रेस में। तो लोग ऊपर से नीचे उसे देखते हैं, बोलता है कि मतलब ये क्या इसने पहना हुआ है। लेकिन अपनी जिंजिया यहाँ पर बहुत ही क्यूट लग रही थी, बट वो और थोड़ी सी रफ बनने की कोशिश कर रही थी, मतलब मैं बॉस हूँ ऐसा करके। सो उसके पापा पूछते हैं तुमने इसे क्यों पहना हुआ है। सो अपनी जिंजिया कहती है आज मेरा स्कूल का पहला दिन है और मैं सबको बता दूँगी कि इस इलाके का बॉस कौन है। क्यों, मैं भयानक लग रही हूँ ना। तभी अपना जीके बोलता है एकदम भयानक, एकदम हार्डकोर, ये बस यही तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले दिन जाऊं तो सब मुझसे डरे, कोई मुझे बुली करे उससे पहले मैं ही उन्हें बुली कर दूंगी। और ये देखो आई विल स्ट्राइक द फर्स्ट। उसके बाद एक वो रिबन बांधती है सर पे और उसके बाद बोलती है ये देखो ये इंप्रेशन जमाएगा। देन उसके बाद अपना लिंक बोलता है ये उल्टा है। सो अपना जी को बोलता है हाँ ये उल्टा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अपना जी क्यू भी जिंजिया की बात में बात मिला के बोलते हैं अगर तुम्हें किसी ने स्कूल में परेशान किया तो मुझे बोलना, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। तभी वो लोग एक दूसरे को हाई फाई देने वाले होते हैं। तभी अपना लिंक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए उसे एक चटकन मारता है, अभी डेड ने कहा था कि तुम्हें जिंजिया का ख्याल रखना है और तुम उसे ये सब करना सिखा रहे हो। सो उसके बाद लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तो उसके बाद डेड बोलते हैं तुम स्कूल ये पहन के जाओगी हाँ, और तुम्हें बॉस बनना है, थोड़ा जाके इसे चेंज करो। सो जिंजिया भी अचानक से डर जाती है, अरे बाप प्लीज डेड को क्या हो गया, डेड प्लीज मैंने बोला ना जाओ स्कूल ड्रेस पहनो। तो अपना जिंजिया ऐसे पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है, हार्डकोर बनना है इसको। सो फाइनली ये तीनों के तीनों रेडी होते हैं और स्कूल की तरफ निकल जाते हैं और काफ़ी अच्छा दिन हो रहा होता है। सो बीच में मतलब कुछ आंटियाँ मिलती हैं, उसके बाद लोग पूछते हैं कि कौन कौन है, जी क्यू कौन है, लिंक कौन है। लेकिन उसके बाद आंटी पूछती हैं कि क्या तुम लोग अपनी मम्मी को मिस करते हो। तो ऑब्वियसली यार ये लोग अपनी माँ के नाम से इतना चिढ़ते हैं। तो अपना लिंक गुस्से से वहाँ निकल जाता है। तो जिंजिया बोलती है आंटी सब ठीक है सब ठीक है, उसके बाद वो भी पीछे पीछे निकल जाती हैं। सो जी क्यू की मॉम की जो बहन होती है वो आती है जिंजिया के पापा से मिलने के लिए कि मतलब जी क्यू कैसा है, कि उसके हाल चाल कैसे हैं, और मतलब जो आस पास उसके बैठे होते हैं कस्टमर्स जो बैठते हैं वो बात करने लगते हैं कि उनकी माँ जो है मतलब उसे छोड़ के कब का चली गई है, और उसने उसके पापा से जिंजिया के पापा से पैसे भी उधार लिए थे और उसके बाद से वो कभी मुड़ के देखी नहीं इन लोगों को। सो फाइनली लिंक के पापा भी दोनों मिलकर ही तीनों बच्चों को पालते हैं। सो वो उसे पॉकेट मनी हर महीने देते हैं, जो खर्च होता है वो उसे देते हैं। सो शाम होते ही वो लोग घर आते हैं, उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए बैठने वाले होते हैं। तभी जिंजिया बोलती है कि मुझे आज बहुत ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। दूसरी तरफ अपना लिंक जो होता है वो जिंजिया के कमरे में जाता है। सो जी क्यों सोचने लगता है कि आखिर वो जिंजिया के रूम में क्यों गया है। देन उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए तैयार होते हैं। जिंजिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसके पापा पूछते हैं क्या बात है बताओ मुझे, स्कूल में आज तुम्हारा पहला दिन था, बहुत अच्छे से बीता ना, इसलिए तुम खुश हो। नहीं 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 मैं बाद में बताऊंगी। तभी जो अपने लिंक के पापा होते हैं बोलते हैं वाह देखो ये है, ये कितनी अच्छी फैमिली, हमारी हैप्पी फैमिली है। सब कहते थे कि हम लोग अपने बच्चों को पाल नहीं पाएंगे, देखो इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग कितने खुश हैं कि नहीं। सभी अपनी जिंजिया बोलती रुको एक मिनट मैं कुछ अनाउंस करने वाली हूँ। तभी वो चेयर पीछे करती है और बोलते सब रेडी ना। सो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि जिंजिया कुछ ऐसा करने वाली है। देन उसके बाद वो बोलती है मैं जिंजिया आज मेरा पहला पीरियड्स आया। तो जिसको नहीं पता है पीरियड्स वो समझ लो गर्ल्स को हर महीने वो चीज़ होती है, गर्ल्स वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हैं। तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि लड़कियाँ जनरली ये सब चीज़ें अपने भाइयों से अपने पापा लोग से ये सब बातें नहीं करते। तो सब लोग क्या हुआ तुम लोग मुझे बता ही नहीं दोगे। तो उसके पापा सर झुका लेते हैं अरे बाप रे ये क्या बोल रही है। सो उसके हाँ जिंजिया कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन सब लोग अब क्या करें, क्योंकि वो लड़कों के बीच में रही है, कभी वो जानती नहीं है कि लड़कियाँ कैसा बिहेव करती हैं, वो भी अपने आप को समझ लो एक लड़का ही है। सो जिंजिया बोलती है कि मुझे लग रहा था मेरे पीरियड्स आएंगे ही नहीं यार, मेरे सारे क्लासमेट्स को आ गए थे पर मुझे लगा कि मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। तो उसके पापा बोलते हैं अरे तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा। अच्छा आपसे क्यों नहीं पूछा, आप लोगों का पीरियड्स आते हैं क्या, आप लोग तो मैन हो ना। तभी अपना जी क्यू जो होता है वो बात को ख़त्म करने के लिए बोलता है अच्छा लिंक तुमने जिंजिया के कमरे में क्या रखा है, कुछ प्रेजेंट है क्या। तो जिंजिया खुश हो जाती है हाँ प्रेजेंट प्रेजेंट मुझे प्रेजेंट बहुत पसंद है, क्या रखा है तुमने।
लेकिन अपना लिंग जो है हिचकिचाता है, बोलता है नहीं नहीं अभी देखने की जरूरत नहीं है, खाना खा लो। लेकिन अपना जीकू बोलता है अरे जाने दो ना। तो जैसे ही जाके देखती है तो उसके बाद जिंजिया अचानक से चिल्लाती आ, तो सब लोग शौक हो जाते हैं उन्हें क्या हुआ। सो उसके बाद वो एक ब्रा लेकर आ जाती है, भाई ये मुझे ब्रा दिया लिंग ने, मुझे ब्रा दिया, ये देखो कितना चमकदार है ना। सो भाई लोग सबके सबकी हालत ख़राब हो जाती है। तो अपने लिंग के पापा बोलते मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मैं जाके चेंज कर लेता हूँ। तो उसके बाद अपना लिंग बोलता है कि मुझे बाथरूम आइए, मैं बाथरूम जाके आता हूँ। अपना जीक्यू बोलता है हाँ मेरी बोल वहाँ पड़ी है, मैं जाके लेके आता हूँ। तो उसके पापा पता अच्छा अच्छा जाओ जाओ सब लोग जाओ। सो जिंजिया भाई लिटरली वो क्या कर रही थी, तभी उसके मतलब वो अपने पापा को बोलती है मैं जाती हूँ इसे पहन के आती हूँ। तभी उसके पापा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये सब चीज़ें बाहर नहीं लेके आया जाता है। मैं बाहर कहाँ लेके आई हूँ, तो मेरे घर में दिखा रही हूँ ना। हाँ तो वो चली जाती है। तो मतलब जिंजिया इतनी भोली होती है कि उसे असल में कुछ डिफरेंस पता नहीं होता कि अपने भाइयों से ये सब चीज़ें छुपाया जाता है, उनसे नहीं बताया जाता है। जनरली आप लोग जानते हो इसके बारे में। तो वो आंटी से ये सब बातें बता रहे होते हैं। इधर स्कूल में जिंजिया भागती हुई आती है और अनाउंस रूम में जाती है, बोलती है प्लीज़ मेरा एक काम कर दो। वो कुछ अनाउंस करवाती है माइक में कि जिंजिया को उसके बड़े भाई की ज़रूरत है, बैकयार्ड में आ जाओ, मतलब कुछ काम है, अर्जेंट है, मतलब ऐसा करके। तो उसके भाई सुनता है कि क्या जिंजिया मुसीबत में है क्या, देन वो दौड़ के जाने लगता है। और जिंजिया हमारी जो होती है, जिंजिया पता नहीं कहाँ से दौड़ती हुई जाती है और एक ईंट होती है उसे अपने बैग में भर लेती है। हाँ इसलिए जाती है क्योंकि उसका जो भाई होता है छोटा वाला क्या मिडिल वाला जीक्यू जो होता है, उसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे कि इस लड़की से एक ये बंदे टकरा जाते हैं और उनकी मेडिसिन गिर जाती है। तो जीक्यू बोलता है कि ये लोग फ्रॉड है, मतलब उसमें दवाइयां नहीं होती है, ये लोग जानबूझ के पैसे ऐंठने के लिए ये सब कर रहे हैं। सो वो लोग मतलब उसे फंसाना चाहते थे पैसों के लिए। सो अपना जीक्यू उसका लड़की का साथ देता है। सो जैसे वो लोग उसे मारने जाते हैं तभी अपनी जिंजिया की आवाज़ आती है, छोड़ दो मेरे भाई को। सो ये सुना सुना आपको कहीं लग रहा होगा जो कि एपिसोड 1 में आपको देखने को मिला था, है ना। सो जिंजिया अभी भी वैसी की वैसी है, लड़ाई करने में हमेशा आगे रहती है। सो उसके बाद वो सीधे दौड़ के आती है, उसके बाद मेरे भाई को छूना नहीं, उसके बाद वो बैग फेंक के मारती है और उस बैग में ईंट होता है। तो उस बंदे की नाक ही टूट जाती है भाई, और जो दूर जाके गिरता है तो उसे बंदे को अपना जीक्यू एक लात मारता है जो कि गिर जाता है। तभी पीछे अपना लिंग आ रहा होता है, बोलता है पकड़ के रखना उन्हें, मैंने पुलिस को बुला दिया है। उसके बाद उसकी हीरो वाली एंट्री होती है, वो दौड़ते दौड़ते आता है भाई, क्या कमाल लगता है। जंप करके जैसे आता है तो उनको देखकर वो दो लोग भाग जाते हैं कि चलो 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 यहाँ से, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे हम लोग। और जीक्यू जिस लड़की को बचा रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई एक से एक बढ़ के मतलब कहाँ से कहाँ ये लोग आ जा रहे हैं। तभी अपना मतलब जिंजिया तो पूरा फॉर्म में होती है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। तभी अपना जीक्यू बोलता है कि तुमने लिंग को क्यों यहाँ बुलाया है, मैंने तुम्हें ऑफिस में जाने बोला था ना। अरे मैं ऑफिस में गई थी पर वहाँ कोई नहीं था। तभी वो उसे एक तमाचा मारता है, पीछे मत मारा करो ना, अगर मैं इडियट बन गई तो कौन मुझसे शादी करेगा, तुम मुझसे शादी करोगे क्या, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। और अगर उनके पास हथियार होता तो, सो जिंजिया जीक्यू को बोलती है अगर उनके पास हथियार होता तो जीक्यू अपना लिंग को बोले अगर उनके पास अच्छा ये तुम ही ने बोला था। लिटरली इनकी क्या ही केमिस्ट्री होती है। तो तुमने पुलिस को क्यों बुलाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बस मैंने ऐसे ही बोला था कि मैंने पुलिस को बुलाया, वो मेरे हाथों से छूट के बच गए। तभी वो फिर से एक थप्पड़ मारता है, तुम्हें अभी भी उनकी परवाह है, चलो यहाँ से। सो अपनी जिंजिया का मानना था कि अगर सर के पीछे कोई किसी को मारता है तो उसके दिमाग कभी बढ़ता नहीं, वो बुद्धू ही रह जाता है। इसीलिए वो बीच में बोलती है कि सर के पीछे मत मारा करो, अगर मैं बुद्धू रह गई तो क्या तुम उसे शादी करोगे क्या। सो भाई क्या ही ड्रामा चल रहा है। और वो जो लड़की खड़ी रहती है उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहीं वो लोग फिर से ना जाएं, इसलिए मैं भी भाग जाती हूं। और वो भी सीधे वहां से भाग जाती है। सो उसके बाद वो टीचर होता है उन लोग को समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उनके पास हथियार होता तो तुम क्या कर लेते। तुम्हें से आती है और बोलती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं जिंजिया की फ्रेंड हूँ, मेरा नाम क्यू मिंगवी है, तो मतलब मिंग बुलाएंगे हम इनसे। तो बोलती है कि मेरा नाम मिंग है। सो जिंजिया शौक हो जाती है, तो मतलब वो लोग पूछते हैं क्या तुम ये तुम्हारी क्लासमेट है, तो नहीं मुझे पता नहीं, अरे मैं तो तुम्हारी मॉनिटर भी हूँ। ओ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब जिंजिया कभी क्लास में ध्यान नहीं देती है, इससे ये तो प्रूफ हो ही जाता है, तो बोला मैंने नोटिस नहीं किया। तो वो लोग हंसने लगते हैं कि भाई मतलब क्या ही है, तो तुमने मेरी मदद क्यों की। सोथी ने उसे देख के बोलते हैं खतरों से खेलना हमारी आदत है। सो शाम के वक्त जब जिंजिया के पापा उसके बैग देखते हैं तो ये इतना भारी क्यों लग रहा है। सो जब वो बैग खोल के उसके अंदर हाथ डालते हैं तो उसमें से वो ईंट अभी भी होती है। सो ईंट देखते हैं जैसे ईंट ये क्या कर रही है इसका जिंजिया। सो एक बात तो कन्फर्म थी कि जिंजिया को पढ़ाई में जरा भी मन नहीं होता है। भाई कौन कौन ऐसा है जिसको पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता है, कमेंट में बताओ मुझे। सो वो लड़की होती है अपनी मिंग जिंजिया को आइसक्रीम मतलब इनवाइट करती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, तुमने मेरी मदद किया। सो उससे बोलती कोई बात नहीं मुझे आइसक्रीम पसंद है, क्या तुम मुझे आइसक्रीम दिला सकती हो। सो मिंग देखती है कि जिंजिया अपने साथ अपने भाइयों को भी लेके आ गई है, तो पूछती है कि क्या तुम लोग कजन्स हो क्या। तो बोलते नहीं 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 हम लोग कजन्स नहीं हैं।
तो जिंजिया बोलती है कि हम लोग एक ही फैमिली से हैं। सो वो फिर बोलती है कि तो क्या तुम लोग सौतेले भाई बहन हो? सपना जिंजिया बोलती है हाँ, दूसरे दूसरे माता पिता के। तो इसका मतलब तुम लोगों का कोई रिलेशन नहीं है? अरे ऐसे कैसे, ये सब मेरे भाई हैं। और वो दोनों के ऊपर अपना हाथ रख देती है। सो लिंग और अपना जीक्यू दोनों मुंडी हिलाते बोलते हाँ ये सही कह रही है। तो सभी अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन मिंग जो होती है, मिंग को थोड़ा सा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद से कुछ ऑर्डर करना जानती नहीं है, कुछ ऑर्डर नहीं कर पाती है। उसके बाद वो खुद बोलती है कि आप मुझे एक आइसक्रीम सजेस्ट करो जो सबसे फेमस हो। सो उसके बाद वो बोलती है कि वनीला आइसक्रीम सबसे बेस्ट है। तो आइसक्रीम लेकर आते हैं और अब लोग सब मिल बांट के खा रहे होते हैं। तो अपनी मिंग जो होती है वो देख के शौक हो जाती है कि लोग कैसे, मतलब उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मिंग के आइसक्रीम को भी खाना स्टार्ट करते हैं। वाह तुम्हारा वाला भी बहुत बेस्ट है, लो 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 तुम भी ये सब खाओ। ऐसा लग रहा था कि मिंग को ये सब चीज़ों की आदत नहीं है, ज़्यादा लोगों से वो बातचीत करती नहीं है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सी, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। दिन उसके बाद वहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। तो जिंजिया बोलती है मेरे पापा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मैं कोई शैतानी ना करूं, वो मेरी पढ़ाई के लिए कभी नहीं बोलते हैं। पर वो बोलती है काश मेरे पास मेरा भी ऐसा होता है, मेरी माँ तो हमेशा बोलती है क्लास में टॉप 5 के अंदर ही रहने के लिए। तो ऐसा नहीं होता तो क्या वो तुम्हें मारती है? नहीं, काश वो मुझे मार ही लेती। सोमिंग की माँ काफ़ी सख्त होती है। वो जिंजिया को मतलब जिंजिया के पापा से मिलती है। लेकिन उसे पता चलता है कि जिंजिया पढ़ने में ठीक नहीं है, तो उसके बाद उसे खींच के लेके जाती है। अच्छा मैं तुम्हें हम लोग बाद में मिलते हैं, हम लोग चलो किसी दूसरे स्टूडेंट से मिल के आते हैं। सो वो अपनी बेटी की पूरी बढ़ाई करती है स्कूल में, मेरी बेटी हमेशा फर्स्ट आती है, ये वो करती है। और यहाँ जिंजिया उसके पापा पूरे मस्ती कर रहे होते हैं। तभी टीचर पूछता है कि आपके क्या प्लान्स हैं? तो वो मतलब बताता है कि आपकी बेटी पढ़ने में तो ठीक नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसके आर्ट बहुत अच्छा है, क्या आप उसे आर्ट सिखाओगे आगे जाके? सो उसके पापा बोलते हैं कि वो जो करना चाहे खुशी से कर सकती। ब्रेक टाइम होते ही जिंजिया को एक लव लेटर मिलता है जो कि अपने लिंग के लिए आता है, क्योंकि लिंग भाई इतना हैंडसम है, ऑब्वियसली लड़कियां उसे लव लेटर देंगी जरूर। तो उसके बाद वो पूछती है कि किसने लिखा है बता मुझे? तो नहीं मुझे कुछ नहीं पता ये किसने लिखा है, वो फाड़ के फेंक देता है। सो जिंजिया बोलती है हाँ बिल्कुल तुम्हें पढ़ाई में फोकस करना चाहिए, है कि नहीं, तुम्हें लड़कियों से डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं। सो रात हो जाती है, सब लोग मिलके अपने डिनर कर रहे होते हैं। तभी लिंक की दादी का फ़ोन आ जाता है और लिंक के पापा जब फ़ोन उठा के बात करना स्टार्ट कर देते हैं तो अपना लिंक को ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि उसकी माँ जो चली गई है बाहर फॉरेन चली गई है और तब से उसने कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ हमारी जिंजिया का जो है दांत होता है वो दर्द करने स्टार्ट हो जाता है, जो कि लगता है कि उसका हमेशा से दांत दर्द करता रहता है क्योंकि उसे वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स खाती रहती है। सो अपना लिंग जो होता है उसके पापा बात करने के लिए चले जाते हैं, तो उठ के खाने से चला जाता है क्योंकि उसकी माँ का जब भी जिक्र होता है तो उसके सारे जख्म ताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने बहुत, मतलब समझ रहे हो ना आप, तो पिछले एपिसोड देखे हो उसके ऊपर क्या ही क्या बीता है। तो जिंजिया के पापा थोड़े भड़क जाते हैं अपने लिंग के पापा के ऊपर, तो हमारी जिंजिया समझाती है, बोलती आप लोग लड़ना बंद करोगे, खाना खाइए आप लोग। सो लिटरली तीनों बच्चों ने बचपन में बहुत कुछ चाहा है। कैसा लगा था आपको दोनों एपिसोड और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताओ, और लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना अगर आपको पसंद आ रहा होगा। आप लोग तो कमेंट क्यों नहीं करते हो मुझे पता नहीं चल रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो जिंजिया और जीको अपने आ जाते हैं अपने लिंग को मनाने के लिए कि प्लीज़ खाना खा लो, और उसके बाद बताते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ऐसा है, मतलब अपने माँ के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अपना लिंग बोलता है वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है, मैं उन्हें उनके बारे में सुनना नहीं चाहता है। सो उसके बाद वो अपना जीको बोलता है देखना एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें फोर्स करेगी कि तुम उसके साथ रहना स्टार्ट करो। सो वो मना करता है, बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी अपनी जिंजिया की बात करते हुए फिर से दर्द शुरू हो जाती है, जो कि उसके डेंटल प्रॉब्लम मुझे अक्सर लगते हैं। तो दोनों भाई मिलके इतने प्यार से उसके देखते हैं, और अपने तो लिंक तो काफ़ी स्मार्ट होता है तो बोलता है कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, अच्छे से ब्रश करके रात में सो जाएं। तभी जिंजिया उसके बिस्तर पर चल जाती है, तो जिंजिया को अचानक से एक स्मेल आने लगती है जो कि मर्दाना खुशबू जो होती है, मतलब बॉयज़ की आप समझ रहे हो, वाह ये कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, वाह। तो अपना लिंक तो समझ जाता है कि भाई उसकी मतलब लड़की है और लड़के का से अट्रैक्शन समझ रहे हो ना। सो उसे उठा के सीधे वहाँ से चला जाता, बताई मैंने तुम्हें मना किया ना कि कभी मेरे और बिस्तर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉयस थिंग से बॉयस अच्छे से जानते हैं, याद रखना अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो शौक हो जाती है कि ये ऐसा कैसे करा, क्या तुमने कुछ उसमें पैसे रखे हैं क्या, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे बेड पे हो गए इतना गुस्सा हो गए, जाओ मुझे बात नहीं करना, मरो भूख से, और उसे एक लात मार के वहाँ से चली जाती है। सो अपना लिंग भी जानता है और जीक्यू भी जानता है कि वो क्यों मना कर रहा था, बोलता है कि दरवाज़ा लॉक करना पड़ेगा रात में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।